हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ आई हुई थी अपनी कुछ ट्रीटमेंट के लिए। जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक सिस्टम है कि कोई भी जब कैंसर वगैरह से सफ़र करता है ना, तो उनकी ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्हें कुछ और भी ट्रीटमेंट दी जाती हैं, जैसे कि उनके पैरों की मसाज, उनके काउंसलिंग, जिसमें आपको जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। आप जैसे कीमोथेरेपी से नर्व्स बहुत डैमेज हो जाती हैं, तो उससे पैरों में हाथों में दर्द रहता है, तो वो उनकी मसाज करके, रिफ्लेक्सोलॉजी होती है एक स्पेशल टाइप की मसाज, तो वो करती हैं। स्पेशली क्वालिफाइड पीपल होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, तो उसके लिए मैं आई हुई थी यहाँ पे। तो अब घर जा रही हूँ वापस हॉस्पिटल से निकल के। तो हमने आज बात करनी है, जो लास्ट टाइम हमने बात की थी ना, ओवेरियन कैंसर या यूट्रस कैंसर, उसके बारे में कि एक बार आपका अगर डायग्नोस हो जाता है कि किसी को, खुदा ना खास्ता, किसी को ओवेरियन कैंसर या यूट्रस में कैंसर है, तो उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगी। एक एक कैंसर का हम लेंगे टॉपिक, उस पर पूरी बात करके कि कैसे होता है, कैसे डायग्नोस होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होती है, वो सारा देखने के बाद हम दूसरे कैंसर के बारे में फिर बात करेंगे। तो जी, हमने ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई, डायग्नोस तो हो गया, डॉक्टर्स ने बता दिया कि किसी को कैंसर है, अब उसके बाद क्या होगा। उसके बाद आपकी सारी बॉडी की चेकअप की जाएगी कि आप सर्जरी बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अंदर इनफ खून वगैरह है, आपको कहीं कोई और बीमारी, कोई तकलीफ तो नहीं है, आपका हार्ट ठीक से चल रहा है, आपके लंग्स ठीक से चल रहे हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान बेहोश करना पड़ता है। तो उसमें पहले जो लोग एनेस्थीसिया देते हैं आपको, पहले वो आपको चेक करेंगे कि क्या आपकी बॉडी ये सर्जरी जितने घंटे की है उसको सह सकेंगे या नहीं सह सकेंगे। तो वो चेक कर लेते हैं, सर्जन ने आपसे बात कर ली होती है। ये मैं सारा सिस्टम यहाँ का बता रही हूँ, और मेरे ख्याल से यही सब कुछ इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में भी होना चाहिए, क्योंकि यही एक रूटीन होती है कि पहले डायग्नोस जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं वो लोग स्कैन वगैरह करवा के डायग्नोस हो जाता है, तो उसके बाद जो सर्जन और एनेस्थीसिया देने वाले हैं वो लोग आपकी केयर करते हैं, वो लोग आपको टेक ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ आगे जो आपको लाइट्स फ्लैश करती हुई नज़र आ रही हैं, ये हमारी रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पे अब ट्रेन ने आना है इसलिए गेट बंद है, उतनी देर हम यहाँ बैठ के आराम से बात कर सकते हैं कार में। तो जी, क्या होता है, एनेस्थेटिस्ट ने ओके कह दिया, आपको बेहोश किया जा सकता है इतने घंटे के लिए, आप वो सारी दवाइयों को सह सकते हैं, आपकी सर्जरी आराम से हो सकती है। तो सर्जन आपको सारा एक्सप्लेन करेगा कि सर्जरी में क्या क्या इन्वॉल्व है। अब अगर किसी की ओवरीज में कैंसर डिटेक्ट होता है, तो एडवाइस यही किया जाता है कि उसका यूट्रस और यूट्रस के साथ जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो सब को निकाल दिया जाए, और उसका ऑपरेशन का नाम है टोटल हिस्टरेक्टमी।
एक हिस्ट्रेक्टमी होती है जिसमें सिर्फ यूट्रस निकाला जाता है। जब यूट्रस के अंदर कुछ गांठें पड़ जाती हैं, कैंसर की नहीं दूसरी गांठें होती हैं, वो होता है फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो चीजें होती हैं जिससे कि हमेशा ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें सिर्फ यूट्रस निकाल देना सही होता है। ओवरीज को निकालना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ओवरी से हमारे हॉर्मोन्स जुड़े होते हैं, और अगर कोई यंग है तो उसकी ओवरीज को निकालेंगे तो हार्मोन नहीं रहेंगे बॉडी में, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस और कई तरह की बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अगर कोई 40 ईयर से कम एज का है या 45 का भी कह लें, अगर वैसे उसके पीरियड बंद नहीं हुए थे तो फिर उस वक्त ओवरीज को निकालना सही नहीं है, फैलोपियन ट्यूब्स को ओवरीज को निकालना सही नहीं है, उस वक्त सिर्फ यूट्रस को निकाला जाता है या फिर साथ में जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनको भी निकाला जा सकता है कि कहीं कोई और तरह की उस तरफ कोई गड़बड़ना शुरू हो जाए। तो वो सर्जरी का डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपकी कौन सी सर्जरी होनी है, और नॉर्मली यूट्रस में कैंसर हो ओवरीज में कैंसर हो तो आपकी तीनों चीजें निकाली जाएंगी, और वो निकालने के बाद आपको कम से कम 1.5 महीना या 2 महीने आपको रिकवरी के मिलते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी शुरू होती है, क्योंकि ये सर्जरी एक मेजर सर्जरी में गिनी जाती है और रिकवर होने में टाइम लगता है। अब रिकवरी में ये नहीं है कि आपने पूरा टाइम बेड में लेटे रहना है और आपने सिर्फ खाए जाना है और इतने मोटे बैलून जैसे फूल जाना है, वो नहीं है। रिकवरी का मतलब है आप खुद को हेल्दी करो। आप अभी सर्जरी से आए हो, आपका ब्लड लॉस हुआ है और आपकी बॉडी थोड़ा एनेस्थीसिया के इफेक्ट से गई है, तो उसको रिकवर करो। अपनी बॉडी को कैसे रिकवर करोगे? अच्छे नरिशिंग खाने खा के जिनमें विटामिन्स हो, फ्राइड खाना, चाहे आपको कोई बीमारी हुई है या नहीं हुई है, मिनिमम फ्राइड खाना खाना चाहिए। रोजाना तले हुए खाने, परांठे, ऑमलेट्स, फ्राइड एग्स और कुछ भी और फ्राइड चीजें, पूड़ियां हैं, हलवे हैं, इतना हमारे फूड खराब हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, हम सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, हम सब के खाने बहुत ही खराब हैं। ट्रेन जा रही है, आई होप आप लोग देख लेंगे। तो जी ये खाने बिल्कुल वैसे भी नहीं खाने चाहिए, और सर्जरी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। सर्जरी के बाद आप फ्रूट खाएं, काफी सैलड खाएं, अच्छा खाना जिसमें चिकन मीट जो खाते हैं खाएं, लेकिन उनको कम से कम ऑयल और घी वगैरह उस डाल के तब उनको बनाएं, और मसाले भी बहुत तीखे ना हो आपके, वैसे खाने बनाएं। बेशक मीट खाएं, बेशक चिकन खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको इतना ऑयल और घी डाल के ना बनाएं कि वो ऊपर तैरता हुआ नजर आए आपको। तो दूसरा है कि अगर आप वेजिटेरियन खाएं तो वो सबसे ही बेहतर है, वेजिटेरियन खाना सबसे ज्यादा अच्छा है अगर आप खा सके। तो दूसरा ये है कि फ्रूट वगैरह, दूध, दही, ये चीजें भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कुछ चीजों में कैल्शियम होता है जो आपकी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। बोन्स आपकी ठीक होंगी तो बोन्स में से ही आपकी बॉडी के लिए जो ब्लड सेल हैं वो बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो बोन का अंदर मैरो होता है। कोई बोन लें आप, उसको तोड़ें, उसके अंदर जो एक सॉफ्ट सा चीज नजर आती है वो होती है बोन मैरो,
उससे आपके रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल वो सारे वहाँ से निकलते हैं। तो आपकी बोन्स को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है और खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ वॉक के लिए निकलें, वॉक करना सबसे बेहतर है, रोज़ वॉक के लिए निकला करें। और घर में अगर योगा या दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी वेट्स, हल्के वाले वेट्स उठा के उससे अपने बाजू की एक्सरसाइज करें। और भी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, कई तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जो घर में रह के आप कर सकते हैं। तो वो जी, जब तक आपकी किसी की कीमोथेरेपी डिसाइड होती है कि कब से शुरू होनी है, उससे पहले ये नहीं कि अब सर्जरी हुई आप कहें इतना बड़ा पेट कट गया मेरा, अब मैं कैसे करूं कुछ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूं, मुझे तो पूरा टाइम बेड पे होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं, स्टिचेस लगे हैं, स्टिचेस हील हो गए, उसके बाद आपको उठ के चलना फिरना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, एवरीथिंग नॉर्मल रखेंगे तो आप खुद नॉर्मल रहेंगे। ओके, उसके बाद टाइम आता है कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी के वक्त हमेशा पहले आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या आप अनीमिक तो नहीं है, क्या आपके अंदर इनफ वाइट ब्लड सेल्स और न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स और बाकी जितने टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, आपको समझ नहीं आएगी, नाम तो मैं सब बोल दूंगी, लेकिन बाकी जो बॉडी में ब्लड सेल होते हैं वो कीमोथेरेपी के दौरान ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो उनको रिकवर होने में टाइम लगता है या उनके रिकवर होने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं या उनको ठीक करने के लिए नरिशमेंट होती है कि आप इनफ फूड वगैरह खा रहे हो तो उससे आप 10 दिन में, 2 हफ्ते में रिकवर हो जाते हो अगर आप हेल्दी हो। अगर आप पहले से हेल्दी नहीं हो, पहले से एनीमिक हो, तो फिर आपका वो नहीं होगा कि रिकवरी हो जाए और आप कीमोथेरेपी बराबर ले सके। तो ये भी ख्याल में रखना है कि बेशक पहले आपका ब्लड वगैरह ठीक था लेकिन सर्जरी में ब्लड लॉस होता है, इसीलिए कीमोथेरेपी से पहले टाइम दिया जाता है कि आपका ब्लड रिकवर कर जाए। नॉर्मल खाना खाने वाला इंसान और नॉर्मल बॉडी वाला इंसान जो है, हेल्दी इंसान, उसका हफ्ते 10 दिन में ब्लड रिकवर हो जाता है। इसीलिए जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हफ्ते में उनका ब्लड उतना पूरा एक बॉटल बन जाता है। तो इसीलिए आपको सर्जरी के बाद एक्सरसाइजेस करनी है, इनफ फ्रेश एयर लेनी है, इनफ एक्टिव रहना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहे। आप कीमोथेरेपी के दौरान जब आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, आप ठीक हो, आपके ब्लड लेवल सब कुछ ठीक है, तो आपको कीमोथेरेपी अकॉर्डिंग टू किस चीज़ के लिए कीमोथेरेपी दी जा रही है, कौन से कैंसर के लिए दी जा रही है, वो कीमोथेरेपी आपको डॉक्टर पहले से डिस्कस कर लेंगे कि आपको 4 महीने की कीमोथेरेपी मिलेगी, एवरी 2 वीक बाद मिलेगी, 3 वीक बाद मिलेगी या महीने बाद मिलेगी। वो हर एक का अपना उनके कैंसर के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी ऑन्कोलॉजी टीम जो कीमोथेरेपी करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी होगी तब तक के लिए ये होता है कि एक दिन आपको हॉस्पिटल जाना है, आप 4 घंटे के लिए वहाँ पे आपको ग्लूकोस में मिला के ये दवाई दी जाएगी जो कीमोथेरेपी होती है, जिससे कैंसर सेल जो बॉडी में अगर कोई बच गए हैं तो वो ख़त्म किए जाते हैं। लेकिन कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, ये एक किस्म का पॉइजन होता है, तो इससे आपकी बॉडी पे बहुत असर नेगेटिव रूप में पड़ता है। नेगेटिव तरह से असर ये पड़ता है कि एक तो
नेक्स्ट डे आपको वॉमिटिंग का फील होता है कि आप कुछ खा पी नहीं सकेंगे, आपका दिल खराब हो रहा है, आपको वॉमिट आ रही है। और दूसरा ये है कि अगर आप केयरफुल नहीं रहते हो, पानी वगैरह खाना पीना वो अगर ठीक नहीं रखते हो, तो आपको बहुत ही बुरी तरह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसके लिए आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हो, क्योंकि अगर ख्याल नहीं रखोगे तो वो चीज़ बढ़ जाती है। तो कीमोथेरेपी हो गई, उसके बाद रिकवर होने में कम से कम अगर आप यंग हो तो 2 हफ्ते लगते हैं, अगर आप मेरी तरह मेरी एज के कोई हो तो आपको 3 से 4 हफ्ते लगेंगे रिकवर होने में। मेरा फर्स्ट कीमोथेरेपी में मैं 1 वीक में 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई थी, मुझे कोई कुछ ऐसी कमजोरी या कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन दूसरी के बाद 2 हफ्ते लगे, तीसरे के बाद 3 हफ्ते लगे, चौथी के बाद 4 हफ्ते से भी ज़्यादा लगा, और 2 बार हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा क्योंकि ब्लड सेल 0 पे पहुंच गए थे, मेरे बॉडी में ब्लड सेल नहीं रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहे, वो जितने टाइम में दूसरी कीमोथेरेपी ड्यू थी वो ब्लड सेल बने नहीं, डॉक्टर ने सोचा हो जाएगा ठीक, लापरवाही की, अब वो डॉक्टर की नौकरी भी गई क्योंकि जब मैंने कंप्लेन किया तो वो तो गई यहाँ से। तो ये लापरवाहियाँ हमारे मुल्कों में तो डॉक्टर्स बहुत ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान से कोई डॉक्टर आई हुई थी जिसने ऐसे इग्नोर किया और मुझे प्रॉब्लम में डाला और मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। तो यहाँ से उसकी जॉब गई, क्यों ऐसे काम करने जो किसी को भी नुकसान पहुंचाना और खुद भी अपने लिए मुसीबत खड़ी करना। लाइसेंस भी डॉक्टर का जा सकता है अगर वो पेशेंट की जान के साथ खेल रहे हैं। तो जी, उसके बाद आपकी जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है, ट्रीटमेंट के दौरान आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है, आपके बाल जो हैं सर से वो उतर जाते हैं, सर से क्या पूरी बॉडी से, अपने आप बाजू पे टांगों पे सब जगह बाल होते हैं, बाल उतर जाते हैं। और उनको जब कीमोथेरेपी ख़त्म होती है उससे तकरीबन महीने बाद बाल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन शोल्डर तक या पूरा फेस तक बाल आते आते कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। तो ये इसके कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट हैं जो ये चीज़ होती है। तो ये तो था हमारा, अगर ओवेरियन या यूट्रस का कैंसर है तो ये चीज़ होती है, कीमोथेरेपी होती है। उसके बाद कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद Every 3 months बाद आपका स्कैन होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपको चेक किया जाएगा कम से कम मिनिमम 1 साल या फिर 5 साल या फिर 10 साल। मेरा लास्ट टाइम 10 साल के लिए उन्होंने चेक किया था, इस बार 1 साल तो चेक करेंगे, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कंटिन्यू रखेंगे चेक करना, अदरवाइज कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम हो तो खुद ही आप आ जाना दिखाने, नहीं तो ठीक है ऐसे ही कभी कभी चेक करवा लो, वरना अपने डॉक्टर से जो आपका अपना डॉक्टर होता है उसको ही आप अपनी प्रॉब्लम बता दो तो सब ठीक हो जाता है। सो जी, ये थी आज की बात कि अगर किसी को ओवेरियन कैंसर या यूट्रस कैंसर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसकी ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग आपने कैसे अपने आप को देखना है, कैसे लुक आफ्टर करना है। तो ये आज की हमारी बातचीत थी, आई होप आप सबको पसंद आई होगी ये आज की वीडियो और आपने इस